कल देर रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में हत्या कर दी जाती है। एक बहुत बड़ी वारदात होती है मुंबई के अंदर। बाबा सिद्दीकी जो एक बहुत बड़ा नाम है और जिन्हें सलमान खान के खास दोस्त के रूप में जाना जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सलमान खान आगे बिग बॉस की शूटिंग करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्या सलमान खान बिग बॉस को कंटिन्यू रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। बहुत सारे प्रश्न निकल करके आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एएफसी टाइम्स, बात करते हैं हम इन सारे मुद्दों के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की कल देर रात हत्या कर दी जाती है और ये हत्या मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच और इंटेलिजेंस को भी चेतावनी दे रही है कि भैया आपने इतना सब कुछ मैनेज किया, सब कुछ व्यवस्थाएं इतनी अच्छी रखी, जबकि जो मुंबई पुलिस है पूरे देश की नंबर वन पुलिस मानी जाती है, इसके बावजूद भी एक एनसीपी नेता, एक बड़े नेता की हत्या हो जाती है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एनसीपी नेता सलमान खान के दोस्त कहे जाते हैं। और अभी तक एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, पोस्ट वायरल हो रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी मतलब जिम्मेदारी ली है कि ये मतलब हमारे द्वारा कराया गया है। और उस पोस्ट में ये लिखा है कि भाई जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम का साथ देगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, यानी कि हमारी दुश्मनी सिर्फ सलमान से है लेकिन जो सलमान का साथ देने वाले लोग हैं तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। और बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसके पहले भी कहा था कि भाई सलमान खान अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो बात ख़त्म हो जाएगी, शायद पता नहीं, लेकिन सलमान भाई माफ़ी मांग नहीं रहे, ऐसा क्या मैटर है, जो भी मामला हो। लेकिन एक बहुत बड़ी वारदात हुई है और सलमान खान के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरे की घंटी मंडराने लगी है अगर इस तरीके की जो पोस्ट वायरल हो रही है अगर वो सही है तो, क्योंकि वो तो जो भी होगा वो तो जांच पुलिस करेगी, पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसकी जांच पड़ताल करके जानकारी करेगी कि वो पोस्ट सही थी या फिर वो गलत थी, किसी ने फेक अफवाह फैलाई थी। लेकिन जो भी हो, लेकिन सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही बिग बॉस का शूट को लेकर के भी काफ़ी खबरें निकल कर के आ रही, क्योंकि बिग बॉस की शूटिंग चल रही है और हफ्ते में दो दिन तो सलमान को आना ही होता है वीकेंड के बाहर के शूट के लिए, फ्राइडे सैटरडे वो आते हैं। और कल जो है ना शूट होने के बाद सलमान खान चले गए थे, इसके बाद ये सारी घटना हुई है और आज सारा दिन सलमान खान को उनकी जो अंत्येष्टि जो जनाजा था उसमें लगातार उनको देखा गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि सलमान और शाहरुख के बीच में जब तनाव था, दोस्ती दुश्मनी बदल चुकी थी, तो उन दोनों की दोस्ती भी दोबारा से वहाँ पर बाबा सिद्दीकी ने ही करवाई थी, अपनी पार्टी में बुला करके दोनों को एक दूसरे से मिला करके पार्टी में साथ मतलब दोस्ती दोबारा से करवाई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। ऐसे में अगर सलमान खान दोबारा से शूट करते हैं बिग बॉस तो फिर उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी, अंदर टीम पे कौन कौन रहेगा, अंदर कैमरामैन कौन रहेगा, क्रू में कौन रहेगा, बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की जाएगी। ऊपर से गवर्नमेंट ने भी सलमान खान की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी है, अब कहीं भी जाएंगे उनको एक अलग से सिक्योरिटी प्रदान की गई है जिससे कि वो सुरक्षित रह सकें। बाकी क्या होता है बिग बॉस पे, वो शूट करेंगे या नहीं करेंगे, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है क्योंकि इस हफ्ते की तो शूटिंग हो चुकी है, अब अगले फ्राइडे सैटरडे को शूट होना है। तो जो भी होगा इन्फॉर्मेशन निकल करके आएगी, एक एक अपडेट लगातार आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।